एक गांव जो बसा है इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर, किलोंग। जी हां दोस्तों, लाहौल स्पीति का एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर जो कि 71 किलोमीटर मनाली से दूर पड़ता है अगर हम वाया अटल टनल से जाते हैं। एक ऐसा गांव जो बसा है बागा रिवर के किनारे। लाहौल फॉलो करता है बुद्धिस्ट कल्चर को। हमें पता चला कि यहाँ का सबसे फेमस मोनेस्ट्री है कार्दंग मोनेस्ट्री। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और चरण वंदना दोस्तों। दोस्तों क्या हाल चाल, मैं बिल्कुल बढ़िया और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होना चाहिए। तो दोस्तों मैं हूँ इस समय हिमाचल प्रदेश के किलोंग एरिया में और एक्चुअली ये लाहौल में पड़ता है जो एरिया, और इस समय मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बस स्टैंड में। कल मैं बस से जो है वो इस एरिया में आया था और ये आ गया जी यहाँ का बस स्टैंड जो कि बस अड्डा हिमाचल पथ परिवहन निगम किलोंग। और ये वाली गाड़ियाँ भाई अलग अलग जगहों से आई हैं यहाँ पर। फिलहाल मुझे लगता है कि मैं उस गाड़ी पे आया था, अगर वो गाड़ी वापस नहीं चला गई हो तो। फिलहाल भाई ये है यहाँ का बस स्टैंड और ये सामने का होटल है जिसमें मैं रुका हूँ, ये आंटी जी का होटल है यहाँ पर। कल जब हम जहाँ पर आए थे ना तो उस समय यहाँ पर जो है वो स्नोफॉल नहीं थी और मौसम बिल्कुल साफ था, और मैंने सोचा था कि मैं सुबह उठ के यहाँ पर ऊपर एक गाँव है और वहाँ पर जो बुद्धिस्ट हैं उनकी एक मोनेस्ट्री है वहाँ पर घूमने के लिए जाऊँगा। हम उसको देखने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि स्नोफॉल होते ही वहाँ के लिए निकल गए। रास्ते में किसी ने बताया कि ज्यादा स्नोफॉल के कारण रास्ते में भूस्खलन भी हो सकता है, तो आगे मत जाना, जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं जा सके। लेकिन ये तमन्ना हमारे दिल में ही रह गई। आप गाड़ियां देख सकते हो, ये वाली गाड़ियां यहाँ पर ये हो गई और ये हो गई, ये दो गाड़ियां यहाँ पर बहुत पहले की लगी हैं। और क्योंकि ये जिस जगह पे जाती है ना, अब यहाँ पर वो जो नेम प्लेट है वो नहीं लगी है लेकिन वो वहाँ पे लगी है, तो ये जहाँ पे जाती है ना तो उस समय वहाँ पर जो है वो बहुत टाइम से जहाँ पर बर्फबारी हुई है तो वो वाले रास्ते अभी बंद हैं। हालांकि यहाँ से अब जैसे सीज़न ऑन होगा ये बर्फ़ वगैरह जो है वो हटेगी, उसके बाद यहाँ से लेह के लिए भी गाड़ी जाती है और यहाँ से हरिद्वार के लिए भी जाती है, यहाँ से आई थिंक मनाली हो गया या फिर शिमला हो गया, इन सब जगहों के लिए यहाँ से गाड़ी जाती है। बर्फ तो हमने भी बहुत देखी है लेकिन हमारे जहाँ पहले बारिश होती है और उसके बाद बर्फ, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे जब भी मौसम खराब होता है तो सिर्फ बर्फ पड़ती है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा मौसम खुला है और कुछ लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, और जिनके होटल हैं या फिर घर हैं तो वो सारे लोग अपने घर की छतों से ये देखो जी सारी बर्फ़ जो है उसको हटाना शुरू हो गए, क्योंकि उनको ये पता है कि ये थोड़ा सा जो टाइम मिला है ना हमें, इसके बाद शायद दोबारा से बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाए, तो इसलिए उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया भाई। बाकी रोड पे देखो आप, रोड से शायद कुछ बर्फ़ हटाई है, और रोड के आसपास देखोगे ना ये देखो भाई इतने बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, और ये भाई जब गिरती है थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसको छत से जो है वो साइड पे गिरा देते हैं, नहीं तो मकान के गिरने के भी चांसेस होते हैं। तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है यहाँ पर, हर एक बंदा जो है वो ये देखो यहाँ पर अंकल जी हैं ये भी बर्फ़ को हटाने का काम कर रहे हैं। बाकी भाई जहाँ पर आने से पहले मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर बर्फ़ पड़ेगी, और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ये जो मेरा टूर होगा इस टूर में मैं कुछ ऐसी जगहों पे जाऊंगा जहाँ पर ठंड होगी या फिर ज़्यादा बर्फ़ होगी। हालांकि ये वाली हुड्डी जो है वो इसको मैंने डाल दिया था कि
हाँ कहीं पे जो है वो रात को अगर मैं कैंपिंग कर रहा हूँ तो वहाँ पर सर्दी लग सकती है। उसके लिए बाकी जो इनर वेयर्स हैं वो मैंने नहीं डाले थे, जूते जो हैं वो नहीं डाले थे वो वाले, लेकिन फिर भी ठीक है भाई। यहाँ पर एक दिन आज के लिए दिखाइए, कल शायद मौसम साफ़ हो जाए और जैसे ही मौसम साफ़ होगा तो शायद मैं यहाँ से निकल जाऊँ। फिलहाल अगर जैसा मौसम इस समय है ना, अगर वैसा ही शाम तक रहता है तो मैं शायद यहाँ पर एक गांव है उस गांव में जाने की कोशिश करूँगा। और ये यहाँ का मार्केट है भाई, किलोंग का जो मार्केट है मेन मार्केट वो यही है। यहाँ पर ये एक्चुअली ये दो अलग अलग जगहें हैं, दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाहौल और स्पीति। और ये लाहौल में आता है, ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये लाहौल डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा टाउन है ये किलोंग। बाकी देखो ये जो ये नीचे नदी जा रही है ना, नदी के उस ओर भी ज़्यादा बर्फ़ हुई है, और ये तो भाई कल भी दिख रही थी हमें, लेकिन ये जो इस साइड हुई है ना ये फ्रेश हुई है। रात के 3 बजे शुरू हुई थी और अब जाके जो है वो थोड़ी ख़त्म हुई है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ भाई कितनी है, देख लो भाई कितनी हो सकती है। तो अभी ये ज़्यादा बढ़ेगी, मे बी चांसेस हैं कि ये थोड़ी रुकी है, इसके बाद ज़्यादा बढ़े। बाकी देखो भाई सारे घर वाले जो है ना यहाँ पर सारे अपने अपने घर के और दुकानों के छतों से इसको हटा रहे हैं। जैसे ही थोड़ा मौसम साफ होता तो लोग अपने छतों से बर्फ हटाना शुरू कर देते। यहाँ के लोगों का स्केड्यूल सिर्फ यही है कि जब बर्फ पड़ती तो उसके रुकने का वेट करना, और जब बंद होती तो उसको छत से हटाना। नमस्ते। ऐसे ही नमस्ते, वैसे चलते रहता थोड़ा बहुत। अच्छा ऐसे ही मामूली पड़ता रहता। आप यहाँ से लोकल ही हो? लोकल। अच्छा तो ये क्या लगता है आपको, और पड़ेगी यहाँ? वो इनका क्या, भगवान का, भगवान के साथ क्या टकरना, वो तो जबरदस्ती दे देगा इसका भगवान के हाथ में क्या। अच्छा अभी तो आज 30-31 मार्च है ना, तो अब आगे जून जुलाई में भी पड़ता है क्या यहाँ पे? वो पहले पड़ा था बर्फ, यहाँ पर जो अनाज वगैरह कटाई भी नहीं किया था। अच्छा 55 में पड़ गया था। अच्छा वो सारे दबा जो दबा में वो ड्रॉपिंग किया था हमारे फादर के टाइम पर। अच्छा वो गवर्नमेंट ने फिर ड्रॉपिंग किया, फिर जाके फिर थोड़ा राशन पानी। अच्छा तो पहले तो यहाँ पे टनल जो है वो अभी बना है, तो पहले क्या होता था मतलब जैसे सर्दियों में, फिर कैसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ गया जाते नहीं थे कहीं भी। अच्छा थोड़ा बर्फ़ पड़ गया चलते चल पड़ते थे रिटांग टॉप से होके ऊपर से पैदल पैदल। हाँ वो पता नहीं कितने टॉप क्रॉस किए, कितने दफ़ा क्रॉस किए, पता नहीं। ये यहाँ पर एक मंदिर टाइप बना हुआ है और इसके बाहर ये कुछ फ्लैग है, और ये बुद्धिस्ट का ही है। और यहाँ पर मुझे एक अंकल जी बता रहे थे कि यहाँ पर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गांव में अलग अलग मोनेस्ट्रीज़ बनी रहती हैं, और जैसे ही मौसम साफ़ हुआ तो सारे लोग अपने घर की छतों से बर्फ़ हटाना शुरू हो गए। चाहे वो लेडीज़ हैं, चाहे वो जेंट्स हैं, कोई भी हैं, चाहे वो होटल है, चाहे वो गेस्ट हाउस है, चाहे वो दुकान है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, तो उसके छत से बर्फ़ हटाना शुरू हो गए। क्योंकि यहाँ पर पता नहीं रहता कि कब दोबारा से बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाए। फ़िलहाल तो रात के 3 बजे शुरू हुई थी और अभी जो है वो कम हुई है थोड़ी। फ़िलहाल दिखाई है कि दोपहर के बाद शुरू होगी, लेकिन तब तक जो है वो शायद कम रहे। ये जो लकड़ी है, ये जो पेड़ हैं, तो इनको ये है पता नहीं किसके पेड़, आई थिंक सफ़ेदा है या क्या है, लेकिन सफ़ेदा नहीं है ये, कुछ और लग रहा है मेरे को। और ये ज़्यादातर काटे जाते हैं लकड़ी के लिए, और बिल्कुल नीचे से नहीं काटे जाते हैं, आधे से ऊपर इसको काटा जाता है। अंकल जी बर्फ लगा दी आपने? क्या कर रहे हो महाराज? अच्छा तू भी आ गई, आजा आजा। कहाँ चले? ऊपर घर में बर्फ फेंक रहे। कहाँ हुआ आपका घर? ऊपर गांव है? गांव गांव तो नहीं है, ऊपर मोनेस्ट्री है।
जगह इस गांव को घूमते हुए हम पहुंच गए एक घर में, जहां एक अंकल जी दिखे जो घर के छत से बर्फ हटा रहे थे और मवेशियों को चारा दे रहे थे। अभी मैं आ गया हूं एक अंकल जी के घर में, और ये एक गांव है भाई, और ये गांव में इनका घर है। एक्चुअली ये इनका गाय का घर है, और ये अभी ये दो दो गाय रखी हैं आपने घर में ना, बड़े वाले तो नीचे। अच्छा, तो ये यहाँ पे ही रहती हैं क्या? हाँ, सर्दी में है। इनके बच्चे जो क्या बोल रहे हो, नीचे रखे हैं? नहीं, इनकी माँ नीचे है घर में। अच्छा, इनकी माँ नीचे हैं। अच्छा, बच्चे यहाँ पर। अच्छा, घास यहाँ डाला है तो बस खत्म होने के लिए और मेल डालने के लिए। अच्छा, ठीक। तो आप अकेले ही संभालते हो ये सब गाय वगैरह? हाँ। अच्छा, तो फिर नीचे वाली गाय जो है वहाँ पर घर में घर वाले देखते हैं जब आप दोपहर को यहाँ पे आ जाते हो। यहाँ पर ये सेब के पेड़ हैं सारे। हाँ। तो ये सेब यहाँ से फिर कहाँ लेते हैं? मंडी, इधर हिमाचल वाली साइड ही? हाँ। कि जहाँ स्पेशल यहाँ से बाहर जाता है? पता नहीं वो कहाँ ले जाता है जो। अच्छा, आपसे यहाँ के बंदे ही खरीदते होंगे? ठीक। यहाँ का कहते हैं कि जो कश्मीर का सेब है और जो हिमाचल का सेब है, कश्मीर का सेब थोड़ा खट्टा होता है और हिमाचल का मीठा होता है। पता नहीं वो क्या है, कहते हैं ऐसे। तो इस बार कितनी बर्फ पड़ी थी यहाँ पर सबसे ज्यादा? पाँच छः फुट पड़ी थी। अच्छा, तो फिर उस समय तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत होती होगी ना? अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं आप जिससे फेंक रहे हो आप? इसको वाल बोलते हैं। वाल? अच्छा, ये मार्केट से मिलता होगा? हमारे वहाँ पे होता था पहले उसको खुद से बनाते थे लकड़ी से। अब क्यों है बर्फ आता है? हाँ जी, बर्फ आता है जम्मू में। हाँ, पड़ता है जम्मू से आगे पड़ता है जी, प्रॉपर जम्मू में नहीं पड़ता, जम्मू से आगे पड़ता है। और आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अमर सिंह। अमर सिंह? अच्छा, सिंह यहाँ पर भी होते हैं क्या? तो आप आपकी वो क्या है, मतलब बुद्धिस्ट होते हो आपकी? बुद्धिस्ट। अच्छा, बुद्धिस्ट में सिंह होते हैं क्या? सिंह? नहीं, नाम रख दिया ना कुछ।